होना तो चाहिए, ऐसा पब्लिक भी वॉन्ट होना चाहिए, बट द मेन रीजन वी थिंक ये नहीं हो पा रहा है बिकॉज रायपुर एज उतना पॉपुलर स्टेडियम नहीं, उतना पॉपुलर इवेंट वेन्यू नहीं है एज कम्पेयर टू अदर मेट्रो सिटीज। होना तो चाहिए था एक्चुअली, इतना बड़ा इंटरनेशनल स्टेडियम बन रहा है तो हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स को भी कुछ देखने मिलना चाहिए कि क्या लेवल है इंटरनेशनल। तो इंडिया के मैचेस नहीं हो पा रहे तो एटलीस्ट दूसरे कंट्रीज के भी मैचेस हैं तो यहाँ पे होने चाहिए थे, मैचेस देने चाहिए थे, क्योंकि बेसिकली जो यंगस्टर्स हैं खासकर छत्तीसगढ़ के उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता। और ऑफकोर्स यहाँ की जो अभी की मतलब जो क्रेज़ है फैन का रायपुर में बहुत है, क्योंकि पिछले बार जब मैं मैच देखने गया था तो वहाँ पे अबाउट टू अबाउट पूरे सीट्स फिल थे। तो बहुत जन बोलते हैं ऐसा कि सीट्स फिल नहीं होते, बट ये गलत व्यू है, सीट्स फिल होते हैं, बस ये कि मैचेस देने चाहिए। ख्याल से तो यही लगता है कि क्या है कि जो खिलाड़ी लोग खेलने आते हैं ना उनसे BCCI चाहे जो भी रहती है संस्था है वो फीडबैक पूछते हैं, तो जो हमारे यहाँ का ग्राउंड है ना वो बहुत बेकार है। वजह तो बहुत कम होगी, मैं तो इसलिए रायपुर में, लेकिन कोई वजह होगी इसी कारण नहीं होगी कि इस बार वर्ल्ड कप रायपुर में नहीं हो रहा है। जैसा कि यहाँ का ग्राउंड जो है बहुत लो स्कोरिंग है तो उसमें ज़्यादा रन बनते नहीं हैं, तो विदेशी टीमों को यहाँ खेलने में शायद अच्छा ही लगता है, क्योंकि पिछला मैच जो हुआ था इंडिया और न्यूजीलैंड का उसमें इंडिया ने बहुत आसानी से न्यूजीलैंड को हरा दिया था।